आज मैं आपके साथ बच्चों के लिए स्पेशल लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको आप सिंपल घर की चीज़ों से बना सकते हैं, तो इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं हाफ कप जितना नीम गर्म पानी ऐड कर दूंगी। एक टी स्पून इसमें नमक ऐड करना होगा। एक टेबल स्पून मैं इसमें शुगर का पाउडर ऐड कर दूंगी, नॉर्मल जो शुगर होती है उसका पाउडर बना दें। एक टेबल स्पून इसमें घी ऐड कर दें। जब भी आप लच्छा पराठा बनाएं तो इसमें घी का इस्तेमाल करें। पहले इन चीज़ों को आप आपस में मिक्स कर दें। अब मैं इसमें 2 कप जितना सफ़ेद आटा ऐड कर दूंगी, जिसे स्पेशल आटा भी कहा जाता है। इससे जो लच्छा पराठा है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होगे। होटल में अक्सर इसी से लच्छा पराठा बनाए जाते हैं। अगर आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदे से ज़्यादा आप इसमें सफ़ेद आटे का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा मैं इसमें और आटा ऐड कर दूंगी। अब इसे स्पैचुला की मदद से पहले मिक्स करना होगा। नॉर्मल जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप इस आटे की तरह गूंथ लें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार ये लच्छा पराठा बनकर तैयार होगे, और इसको फोल्ड करने का आसान तरीका मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। आटा जो है वो 5 से 10 मिनट में आसानी से बन जाता है। इसको आप अच्छी तरीके से गूंथ लें। अब इसका एक पेड़ा बनाकर इसके ऊपर आप ऑयल लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए इसे कवर कर रख दें, ताकि आटा जो है वो अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाए। आटे को रखे हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका कवर खोल दूंगी। हाथों की मदद से पहले आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। जब भी आप समोसे की पट्टियाँ या क्रिस्पी पराठा बनाएं, तो इसमें सफ़ेद आटे का इस्तेमाल करें। इससे आपका जो क्रिस्पी और मज़ेदार चीज़ें बनकर तैयार होगी। अब इसका आप एक रोल बना दें, ताकि तमाम पेड़े जो है वो एक ही साइज़ के बने। छुरी की मदद से मैं इसे कट कर दूंगी, और मैं इसे 400 में कट कर रही हूँ, ताकि तमाम जो पराठे हैं वो एक ही साइज़ के बने। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आप ये पराठा आप घर में बना सकते हैं। अब एक पेड़ा उठाने के बाद, नॉर्मल जैसे हम रोटी के लिए पेड़े को बंद करते हैं, इसी तरह आप इसे फोल्ड कर दें। इसी तरह तमाम 4 पेड़े मैंने बनाकर रख दिए हैं। अब इसे मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो परफेक्ट आपके पराठा बनकर तैयार होंगे। अब पहले मैं इसका एक पेड़ा उठाऊंगी और दूसरों को कवर कर रख दूंगी। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा रेस्ट करने के बाद इसे आप बेलन की मदद से बड़ा कर दें। साथ ही थोड़ा सा मैंने इस पर मैदा रेस्ट कर दिया है। जब मैं इसे फोल्ड करूंगी तब आप इसको देखिएगा, परफेक्ट और आसान तरीके से अब आप इसे बना सकते हैं, और इसके लच्छे जो हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लगेंगे आपको खाने में। बच्चों को ये चाय के साथ आप ज़रूर बना कर दें। इसको मैंने रोटी की तरह पतला करके बेल दिया है। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा घी लगा दें। जब भी आप पराठा बनाएं तो इसके ऊपर घी अप्लाई करें, इससे आपके पराठे क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। ब्रश की मदद से सारी रोटी पे मैं घी लगा दूंगी। अब एक छन्नी लें, छन्नी की मदद से आप इसके ऊपर आटा लगा दें। छन्नी से ये होता है कि तमाम आटा हर जगह पे लग जाता है। क्रिस्पी पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखें, ताकि इसके लच्छे बनाना आपको आ जाए। अब आपको ये करना होगा कि छुरी की मदद से आप इसे कट कर दें। मैं इसको 4 या 5 हिस्सों में कट कर दूंगी। 2-2 इंच के फासले पे आप इसे कट कर दें। बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये लच्छे आप घर में बना सकते हैं। पहले आप इसकी साइड को उठाकर एक दूसरे के ऊपर रख दें। अब इसे थोड़ा सा प्रेस करने के बाद फोल्ड करना होगा। जो लोग समझते हैं कि लच्छा पराठा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बनाना, अब वो आसानी से घर में बना सकते हैं। इस तरह फोल्ड करने के बाद तमाम पीसीस को एक के ऊपर रखने के बाद आप इसे फोल्ड करते जाएं। इस तरह इसमें लच्छे पैदा होंगे। आप देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से मैं पराठा आपको घर में बनाना सिखा रही हूँ। इस तरह तमाम पीसीस को एक के ऊपर रखने के बाद आप इसे रोल करते जाएं, और लास्ट वाला जो रोल है इसे आप प्रेस कर दें अच्छी तरीके से, ताकि ये खुले ना। एक जो पेड़ा है वो पराठा के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर आप इसे कवर कर रख दें तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। अब मैं आपको एक दूसरा पराठा बनाना सिखाऊंगी, ताकि आपको आसानी से घर में ये बनाना आ जाए। थोड़ा सा काउंटर पे मैदा डस्ट करने के बाद एक पेड़ा आप उठा दें। अब इसे बेलन की मदद से रोटी की शक्ल में पड़ा कर दें। आखिर में आप देखिएगा कि इसके लच्छे कितने परफेक्ट और मज़ेदार बन रहे हैं। इसके ऊपर भी आप घी लगा दें। घी लगाने के बाद ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से इसे अप्लाई कर दें।
ताकि हर जगह से ये लग जाए। अब इसके ऊपर भी छन्नी की मदद से आप आटा लगा दें जो मैंने रखा था। इससे ये होगा कि तमाम आटा जो है वो हर जगह लग जाएगा। अब इसकी एक टेक्निक है, पहले आप छुरी की मदद से इसे बीच से कट कर दें। पहले आप इसे छुरी की मदद से बीच से कट कर दें। अब इसे उठाकर फोल्ड करना होगा। बिल्कुल आसान तरीके से लच्छा पराठा आप घर में आप बना सकते हैं। इसे आप अच्छी तरीके से इसके ऊपर फोल्ड कर दें। अब इसके ऊपर फिर से घी लगाना होगा। घी लगाने के बाद छन्नी की मदद से थोड़ा आप इसके ऊपर सफ़ेद आटा लगा दें। अब इस हिस्से को उठाकर फिर से आपको फोल्ड करना होगा। अगर आप चाहें तो इस तरह भी पराठा घर में बना सकते हैं। और लास्ट में इसके लच्छे आप चेक करिएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा फिर से घी लगाना होगा। घी लगाने के बाद बिल्कुल ढाबा में इसी तरह ये रोल पराठे बनाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार ये घर में अब आप बना सकते हैं। जब इस पे अच्छी तरीके से आटा लग जाएगा तब इसे आप गोल करते जाएं। इसे फोल्ड करने से ये होगा कि इसमें लच्छे पैदा हो गए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको खाने में। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट तरीके से अब आप घर में बना सकते हैं। और सिंपल तरीका बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ लच्छा पराठा बनाने का। अब इसे आप हाथों की मदद से रोल कर दें। अगर आप चाहें तो दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट करके उस तरह आप पराठा घर में बना सकते हैं। इसी तरह चारों रोल पराठा मैंने बनाकर रख दिए हैं। अब इनके ऊपर आप घी थोड़ा लगा दें। घी लगाने के बाद इनको सिर्फ 10 मिनट के लिए आप कवर करके रख दें, क्योंकि जब भी आप लच्छा पराठा बनाएं तो इसे थोड़ी देर रेस्ट देना ज़रूरी होता है। अब एक लच्छा पराठा आप हाथ में उठाएं। इस वक्त आप इस पर मैदा बिल्कुल डस्ट ना करें या सफ़ेद आटे का इस्तेमाल ना करें। अब इसके ऊपर घी लगाने के बाद और बेलन का भी आप इसमें इस्तेमाल ना करें, बस हाथों की मदद से इसे प्रेस करते जाएं। बहुत ही आसानी से ये लच्छा पराठा बड़ा होता जाता है। जब भी आप लच्छा पराठा बनाएं तो हाथों की मदद से इसे प्रेस करते जाएं, साथ ही 1 से 2 मरतबा इसकी साइड को चेंज कर दें। घी लगाने से ये होता है कि ये परफेक्ट और अच्छी तरीके से लच्छा पराठा बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल इसी साइज़ के लच्छे पराठे होटल में बनाए जाते हैं और इस तरह आप इसके लच्छे चेक कर सकते हैं। अब ये देखने में भी लच्छे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसे पकाऊंगी तो तवे को मैंने थोड़ा सा गर्म कर दिया है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे लच्छा पराठा बनाया जाता है। पहले आप इसकी साइड को चेंज कर दें। जब दोनों साइडों से लच्छा पराठा थोड़ा सा बन जाए तब इसके ऊपर घी लगाना होता है। अब मैं इसके ऊपर घी लगा दूंगी। लच्छा पराठा जो है वो घी से ही बनाया जाता है। अगर आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ये ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होगा। अब मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी और स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि क्रिस्पी बनकर तैयार हो। 2 से 3 मिनट में अच्छी तरीके से इसका कलर आ चुका है। मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट और मज़ेदार ये लच्छा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। अब आप बच्चों को ये नाश्ता चाय के साथ ज़रूर दें, क्योंकि बच्चे जो है वो लच्छा पराठा बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करके खाते हैं। घर की सिंपल चीज़ों से मैंने आपको लच्छा पराठा घर में बनाना सिखाया है। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। इसकी लेयर्स आप चेक कर सकते हैं, कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार ये बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह दूसरे लच्छा पराठा भी मैं बनाती जाऊँगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी ये बने हैं। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपकी कैसे बनकर तैयार हुई थी। लच्छा पराठा जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार इसका लुक आया है। जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में से ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार ये लच्छा पराठा बनकर तैयार हो चुके हैं। अब ये सारे बनकर तैयार हो चुके हैं तब मैंने डिश आउट कर रही हूँ। आज मैंने आपको लच्छा पराठा घर में आसान तरीके से बनाना सिखाया है। अगर आपको लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपकी कैसी बनी थी। अब जब मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तब आप इसके लच्छे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ढाबा और होटल में इसी तरह ही लच्छे पराठे बनाए जाते हैं। अब ये सिंपल घर में आप बना सकते हैं। और इसे फोल्ड करने की जो टेक्निक मैंने आपको बताई है घर में आसानी से अब आप बना सकते हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक से इस रेसिपी को खाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी लच्छा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।